अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप सब लोग। जीत सरकार के साथ मैं और मेरी सरकार की टीम हाजिर है, खिदमत है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, आप लोगों ने उतने उतने गर्म कोट पहनने शुरू कर दिए। जी सर, हमने कहा कोई चीज तो अच्छी लगे शो। सही, कोट पहन के कुछ ओवर कोट नहीं लगे। असल में ये 8-10 कोट रेंट पे ले आए, अब किराया तो देना ही दिया। यहाँ पे एसी भी है ना, जरा चिल माहौल है। मैंने लोगों को समझाया कि वाकई हमारे सेट का माहौल जो है वो बड़ा ठंडा होता है। हमारी वजह से तो और ठंडा हो गया। कराची से बुलाया इसीलिए। और जो दोस्त हमारे कराची से आए हैं उनको यहाँ ठंड लगती है। मैंने उनको बताया कि ये वो लोग हैं जो घर में फ्रिज भी कंबल लेके खोलते हैं। मैंने समझाई उनको बात। मजाक करने वालों की तबीयत ऐसी होती है, उनको ठंड ज्यादा लगती है, वो साल में कोशिश करते हैं तयम्मम पे जोर रखें, नहाएं कम, पानी भी तो ठंडा होता है। वैसे भी जो कराची के हालात है उसमें तयम्मुम ही रह गया है। जैसे जैसे गर्मी पड़ रही है वैसे वैसे इसका असर भी ज़हनी दिमाग पे पड़ रहा है, मुंह लंबे होना शुरू हो गए। सरकार जैसे जैसे फ्रिज और एसी ने काम करना छोड़ दिया, दिमाग ने भी काम करना छोड़ दिया। अभी किसी ने किसी से पूछा कि भाई अनारकली का पता है तुम्हें, तो वो पसीने में शराबूर गर्मी में खड़ा था, उसने यूं करके देखा, उसने कहा जाके सलीम ते अकबर को पूछ, मैं अनारकली का मामा लगना मेरे को पूछन दे। वो हमारे आज के मेहमान बहुत प्यारे हैं, मेरे बिल्कुल भाइयों की तरह हैं, और जो दूसरी फनकारा हैं वो भी बिल्कुल घर के फर्द की तरह हैं। मेरा ना उनसे सिर्फ रूहानी ताल्लुक है बल्कि जिस्मानी ताल्लुक भी है, क्योंकि मैं जब भी उनसे मिलता हूँ अपने छोटे भाई से तो बगलगीर हो। ठीक है, ठीक, अच्छा अच्छा, आप में यही मसला है। कोविड के हालात में तो नहीं हम मिलते इस तरह, आप सिर्फ कोनिया, अभी आप देखेंगे हम सिर्फ कोनिया ही मिलाते हैं। बरकत भाई ने कोनी मिला मिला के कोनी जैसा मुंह कर दिया। अच्छा, कुछ लोगों के मास्क इतने पुराने हो गए, कोरोना सूंघ ले तो मर जाएगा, इतने पुराने पुराने मास्क तब्दील नहीं करते, धो धो के अब तो कपड़े वाला आ गया तो धो ले आप। ऐसे ही कॉटन के बन गए हैं अब तो, खवातीन के जितने जो कपड़े हैं उन्होंने जैसे पहने हुए हैं उसी का एक टाकी लेके उन्होंने मैचिंग और उसको वो डिजाइनर्स का नाम दे रहे हैं और नाम भी लिखवा लेती हैं अपना यहाँ पे। वाह वाह, मैंने वो भी देखे हैं। वाह वाह, आपको पूछने की जरूरत ही ना पड़े, आप वैसे ही पास खड़े होकर कहें रुबीना तेरा नंबर की। चलिए बुलाते हैं आज के मेहमानों को, बहुत सारी जानू में वेलकम कीजिएगा जनाब सरमद खुसर साहब और नादिया अफगन साहिबा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। माशाल्लाह आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं और आपने तो वजन भी बहुत गिरा लिया है और आपने बढ़ा लिया है। ये आएगा, पता था ये आएगा, क्योंकि वो इस तरह, क्योंकि अक्सर नादिया साहिबा के हवाले से हम यही देखते हैं कि शी इज ऑलवेज एक्सरसाइज जिमिंग, तो आप तो इतना तो क्या हुआ, नजर लग गई? नहीं नोमी भाई, नजर बिल्कुल भी नहीं लगी। वो अपने अमाल होते हैं इंसान के, बहुत ज्यादा आजकल खा भी रही हूँ आम, आम तो हाँ आप खाने शुरू किए, लीचियां लीचियां नहीं। आई हैव नॉट बीन एक्सरसाइजिंग पिछले कोई तकरीबन अब 6-7 महीने, 6-7 महीने टाइम नहीं मिल रहा। मैं सिर्फ तब काम करूंगी जब कोई अच्छा कैरेक्टर फाइनली हो जाना चाहिए ना, फाइनली हो जाना चाहिए। नहीं अब तो बिल्कुल होना बहुत जरूरी है। चूजी से याद आया, एक दफा और सरमद भाई प्लीज, फरमाइशी प्रोग्राम, थैंक यू। इतना क्यों चूसी? अरे थकावट यार, और दूसरा आई डोंट नो वो उसका एक पोस्ट इफेक्ट है कि तो मुझे छोटी ईद पे कोविड हो गया था रियली कराची, हाँ, तो वो उसके बाद से ओवरऑल आई थिंक कुछ थोड़ा बहुत हेल्थ ऊपर नीचे। मैं फिर पानी मंगा के कुल्ली कर लूं, मैंने अभी यहां तो बोल साइड में नहीं, वो टेस्ट नेगेटिव आ गया। अच्छा, तो एंटीबॉडीज हैं, दोबारा कर ले मेरा, मैंने भी वो लगवा ली है। नो तब उस वक्त तक बस मैंने कुछ सुस्ती की जो कि गलत बात थी, शायद उस वक्त मेरी आया भी नहीं था, 20s वालों का नहीं आया था उस वक्त, मेरा लैपटॉप छुट्टियां रातां
हड़ताले एहतजाज सब सारे दिन निकाल के तो 20 ही बनते हैं। और बात आपकी अप टू सर्टेन एक्सटेंट बिल्कुल दुरुस्त भी है कि एक प्रोजेक्ट अगर आप कराची करते हैं तो उसके बाद इसी तरह चूसती जाते हैं। मैं ऊपर से 3 महीने सीरियल डायरेक्ट कर रहा था मैं। अच्छा, वो बस फिर धूप आउटडोर्स गर्मी में वैसे ही मैं खास खाने पीने का ज्यादा दिल नहीं चाहता, मतलब पीने का दिल चाहता है कि पानी बंदा पूरा दिन नींबू डाल डाल के पीता रहे। बीइंग लाहौरीज बोथ ऑफ यू माशाल्लाह और पंजाबी, कराची में काम करना मुश्किल लगता है दोनों को? नहीं भाई, मुझे तो लगता है, सच्ची बात है। मैं कोशिश करती हूँ कि चूजी होने के अलावा ये भी एक वजह है कि लाहौर का प्रोजेक्ट हो तो घर बंदा आ जाए काम करके। कराची में बहुत खप जाती हूँ, मेरे से कराची में काम नहीं होता। आपका भी सर्किट इसी तरह शॉर्ट हो जाता है कराची जाके? मेरे केस में थोड़ा सा देखें, वो जब डायरेक्ट आप कर रहे होते हैं तो वो एक एक्टर की निस्बत आपकी कमिटमेंट कई गुना ज्यादा होती है दिनों की, तो वो यकीनन बहुत टफ हो जाता है घर से दूर। कितना अरसा गुजर गया दोस्ती को माशाल्लाह जी? याद भी नहीं अब तो सर, मत मोर देन 22 years, 22 साल हो गया कम अज कम। 99 तब हमने ऑफिशियली काम शुरू किया था इकट्ठे करना, उससे पहले भी 1.5-2 साल से हम जानते थे एक दूसरे को। अच्छा शर्मा जी, अभी पिछले दिनों एक फेस्टिवल हुआ जिसमें खान साहब ने कहा अबाउट के हम इंडिया से बहुत मुतासर हैं, तो हम उनसे मुतासर होके अपना जो कंटेंट डेवलप कर रहे हैं उसमें वो वाली ओरिजिनलिटी नहीं है। क्या आप इस बात से, वजीर आजम की इस बात से इत्तेफाक करते हैं? इत्तेफाक से ज्यादा मेरा ख्याल है उसकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री देखने की जरूरत है कि कॉमन तो बहुत सी चीजें थी, कल्चर, जबान, मौसम, हल, रंग, वो उस खित्ते के होते हैं, उस खित्ते की मुश्तरका चीजें तो बहुत थी। हम जब शुरू शुरू में आए भी यहाँ पे हमारी पुरानी फिल्मों पे भी बहुत रंग होता था, तो सिर्फ ये इल्जाम आज की फिल्मों पे आयद करना एक सरासर गलत बात है। अच्छा, मुझे इस बात से बहुत इख्तलाफ, बट अगर आपको अपना कोई मिजाज बनाना है तो फिर उसके लिए सिर्फ मेरा ख्याल है किसी बयान से ज्यादा आपको पूरा एक सिस्टम बनाने की जरूरत है। आइडेंटिटी क्रिएट करी जाती है ना, मतलब वो ऐसे थोड़ी है कि आज हम तय कर लें। वो फॉर्मूला वही था बिजनेस मॉडल कि जी इंडिया की फिल्म आती थी वो बहुत पैसे बनाती थी, सबने कहा ऐसा ही होना चाहिए, कपड़े ऐसे होंगे, रंग ऐसे होंगे। वो जो अब नया एक फिल्मी म्यूजिक का अंदाज आ गया जिसमें पंजाबी गाने भी हैं और यू नो, तो श्योर मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, वो फ्लेवर मौजूद है, मगर उस फ्लेवर को अननेचुरली मतलब और वो भी नौजवानों के उस पे प्लेटफॉर्म पे के जी वेब सीरीज पे काम होना चाहिए, ओटीटी पे काम होना चाहिए, इन सारी चीजों क्या कहते हो आप? तो अच्छा कह दिया इसने, मैं इसके बाद क्या कहूं? नहीं मैं तो ऐसी नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल सही बात की है। आप अग्री करती हैं इसका मतलब है सरमन साहब की बात से? बिल्कुल, मिजाज ऐसा नहीं है जैसा खान साहब ने कहा। हाँ बिल्कुल, काश के ये गुंगे बहरों का प्रोग्राम होता तो आप बड़े फिट नहीं। तो छोटी सी ब्रेक के बाद जी सरकार में दोबारा हाजिर हो। एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं जी सरकार में। नादिया अफगान साहिबा, सरमद खुसर साहब, बड़ी खूबसूरत चप्पल पहनी है, तो बलोचिस्तान भी जाना आना होता है। मेरा पूरा पाकिस्तान है, मेरा जहां दिल चाहे मैं जा सकता। अरे नमन, एक बात मैं पूछना चाह रहा था, इफ यू डोंट माइंड। खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, बिकॉज यू आर अ ग्रेट एक्टर इन अ ग्रेट डायरेक्टर, तो आई आस्क यू वन क्वेश्चन सर। ये बात सच है कि जो बीवी अपने शौहरों की सारी गलतियों को माफ कर देती है, ऐसी बीवियां सिर्फ ड्रामे की आखिरी एपिसोड में ही पाई जाती है, दैट इज ट्रू और फॉल्स? राबिया भाभी का ख्याल अल्लाह की क्यों करने लगी थी? देखिए घर में पाई जाती है ऐसी बीवियां, असल जिंदगी में भी पाई जाती है। एक आला सवाल मैं आपसे पूछता हूं, मेरी भावज है, सॉरी सॉरी सॉरी, जो सारी गलती इसको कहते हैं कि अपने ही गिराते हैं नशे में। नहीं आपने कहा था ना, आपने कहा सुन रही है, बिल्कुल सुन रही है, आपने कहा था ना कि हम बोलने रहे, बोलेंगे तो फिर यही हो, बोले लेकिन बोले ना खोले, बोल तो उन्होंने खोली है। हाँ, संजीदा जवाब इसका देखें, ये मुझे लगता है कि जब हम लोग कैरेक्टर्स को हकीकत से दूर करते जाते हैं और आसान बना लेते हैं लिखाई अपने लिए, तो फिर ब्लैक एंड व्हाइट में कैरेक्टर्स, जो अच्छा है वो बहुत अच्छा है, जो बुरा है वो बहुत बुरा है, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा राइटिंग का मसला है। और अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रही तो शादी करके देख लें। आपकी अभी नहीं हुई है शादी, इसलिए आप नहीं समझ पाएंगे। ये तनाई का ये आलम है, कागज पर लड़की लिखकर पेंसिल से लाइन मारता हूं।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आएगा इंशाल्लाह आपका भी दिन आएगा, अब की आएगी बारी। सुनो चंदा, वाज वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, क्या मजा आया वो करते हुए, और सुना है आप उसके पार्ट थ्री पे भी काम हो रहा है, कुछ ऐसा ही है? पार्ट थ्री पे कोई काम नहीं, प्लीज ये एक जवाब मैं देना चाहती हूँ, मुझे इतने मैसेजेस आते हैं नहीं पार्ट थ्री नहीं बन रहा और उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा और कभी नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि हम आप इस प्रोग्राम की वसादत से तमाम ऑडियंस को ये बता दें कि सुनो चंदा का पार्ट थ्री नहीं बन रहा, इसलिए उम्मीद लगा के मत बैठ। बिल्कुल, यही कहा जा रहा है मंटो के हवाले से भी कि शायद पार्ट टू आएगा, इज इट ट्रू? लेकिन मंटो जिसना क्यूसिया है आजकल ते चाहे मंटो साहब तो सेहत मेरा ख्याल उन दिनों मेरी बहुत ज्यादा ज्यादा थी, ये वाली होनी चाहिए। कितना टाइम लगाया समर साहब आपने मंटो की, मंटो साहब की ऊपर रिसर्च जो की? उन दिनों तो मगर 2-2.5 साल जी पहले लग गए थे और फिर उसके बाद उसका पोस्ट का फेस, बट मुझे वैसे मंटो साहब से काफी लगाव काफी बचपन से। मैं आई वाज देयर इन कराची और मुझे पता है कि सरमत गुमसा गया था और ना मैं प्रोजेक्ट करने गई और मैं आई वेंट टू विजिट हिम जिस गेस्ट हाउस में ये ठहरा हुआ था, तो इट वाज अनदर वर्ल्ड नोमी भाई। एक तो ये लड़के ने वो, खैर वो तो बाद की बात है, खाना पीना जो छोड़ा था, बट इस तरह इसकी सारी किताबें और नोट्स और एक स्क्रिप्ट पड़े होते थे फैले हुए और ये सारा वक्त लिख रहा होता, ये गुम गया था, दुनिया से कट ऑफ हो गया था सिर्फ और सिर्फ मंटो। तो ये था जब इसने ये वो किया तो बहुत अरसे के बाद सरमत वापस आया। सरमत साहब कितना मुश्किल काम है कि जब इस तरह के किरदार को, ये किसी ऐसे पढ़े लिखे किरदार को दिखाना और उसके लिए कास्टिंग करना? मैं मुझे लगता है एक किस्म की, देखिए ये लग्जरी थी मेरे पास क्योंकि मैं डायरेक्ट भी कर रहा था तो मेरे पास वो टाइम था और मैं उतना ज्यादा मतलब नहीं फ्रीक्वेंसी में एक्ट भी नहीं करता ना मुझे उतनी ऑनेस्टली कोई एक्टिंग का वो है। द ओनली थिंग इज कि कोई भी एक्टर कर सकता है लेकिन उतनी मेहनत और वक्त और फिर उस वक्त का मुआवजा, मतलब वही बात कि हम जब सुनते हैं कि जी बाहर कोई अब्राहम लिंकन बन रहा है तो फिर वो 3-3, 4-4 साल, ये तो नहीं है ना कि वो फिर उनको वो 2 महीने के पैसे तो नहीं मिल रहे होते, बिल्कुल उनको पूरी जर्नी के पैसे मिलते हैं। तो आई एम श्योर यहाँ पे भी वो शौक पैदा हो सकता है अगर आप वैल्यू वैसे करें। सिर्फ पढ़े लिखे के अलावा मुझे लगता है बहुत से किरदारों में शायद बहुत सी और बारीकियां लोग डाल सकें अगर वक्त मिल सके। इसीलिए फिर लोग अपनी सेफ जोन में जाके रिपीट करते हैं चीजें, वो एक तरह की टाइप एक्टिंग जो बन जाती है सबकी। बट आई एम श्योर, आई मीन वी हैव एक्टर्स लाइक, नॉट दैट यू आर हियर, एक्टर्स लाइक यू जिनका आज तक हम रेंज ही डिस्कवर करते रहते हैं कि हर कैरेक्टर के साथ आप क्या क्या कुछ उन सब महदूद दिनों में करते हैं। जी जी बिल्कुल, आई थिंक मेहनत, ये बात कभी जो ऊपर हुकूमत में लोग बैठे होते हैं और क्रिटिसाइज कर रहे हैं निजी हुकूमत, हाँ उनको इस बात का पता है कि हम किन सर्कमस्टांसिस में काम करते हैं और फिर भी जो मियार हम टेलीविजन पे दे रहे हैं उसके बावजूद हमें दुनिया से अप्रिसिएशन मिलती है लेकिन अपने घर के खुश नहीं हो रहे और तनकीद पे तनकीद का निशाना बनाते चले जा रहे हैं। ये उनको पता है हमारे बजट्स क्या होते हैं? वो कह तो रहे हैं अर्तुगरुल मेखल में हंसी ओखो जे 4 घोड़े नहीं इकट्ठे कर सकते, दो मैन पावर नहीं खड़ी कर सकते, तो ये कहना बड़ा आसान है। मुझे वो एक बहुत मशहूर डाकू की कहानी है उसके ऊपर एक सीरियल ऑफर, वो बहुत शुरू शुरू की बात है, उसमें ये हुआ कि उसने डाके का सीन था कि जी जग्गा जब डाका डालता है तो मतलब पक्के पुल ते लड़ाइयां हुईयां ते तारा खड़क गईयां तो लैलपुर में ये हो गया। तो मैंने कहा 20-25 घोड़ों पे तो उसको आना चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं 4-5 ही आ सकते। तो मैंने कहा मैं कैसे दिखाऊं? कहते ये तो डायरेक्टर का काम है। तो मैं डायरेक्टर हूँ घोड़ी तो नहीं हूँ कि मैं और घोड़े पैदा कर। मुझे तो किस बात का होता है कि जो बाहर बैठ के तनकीद कर रहे होते हैं ना हमारे काम के ऊपर, मैं आपको हालात बताऊं तो वैसे ही बेड़े गर्क हो जाए। आप तो बड़े अच्छे हालात में आपको बुलाया है लेकिन आपसे नहीं बात हो पा रही। अच्छा सर, ये पिछले हफ्ते मैं एक बुक स्टोर गया, मैंने कहा एक बुक देना, कह रहे कौन सी? मैंने कहा वही जो हमेशा किसी खूबसूरत लड़की के साथ टकराने से गिर जाती है। ये बुक कहाँ मिलती है आप लोग से सवाल? वैसे शर्मा साहब बहुत बरकत ने टेक्निकल और बारीक बात पूछी है कि वो किताब कहाँ से मिलेगी, और सारी किताबें मैंने देखा लड़कियों का, सारी किताबें बैग में, बस एक रजिस्टर हाथ में। व्हाई डू यू हैव एनी आंसर? नहीं मैं उसको क्रिएटिविटी की कमी है आई थिंक, वो बुनियादी सतह से शुरू होती है लिखने से।
ओके अच्छा हम इंटरेक्शन सिर्फ इसी तरह दिखा सकते हैं कि बच्चे किताब डिग्री सर वो हम जब नए नए प्राइवेट चैनल आया सर तो उस पर फिल्म दिखाते थे पाकिस्तानी तो जब कोई गाने में कोई सीन होता था लड़का लड़की जब करीब आ रहे हैं तो दो फूल आके आपस में मिल जाया करते थे बाद में देखा ऐसा नहीं था और 10-12 लाशें एक साथ जब दिखाते थे ना पुरानी फिल्मों में तो उसमें से एक आध लाश जो है वो खारिज भी कर रही होती थी हल्के से ये मैंने नोट किया है अच्छा नमान सर मेरे पास सरमत सर के लिए सवाल है जैसे अभी नादिया जी बता रही थी कि वो गुम हो जाते हैं तो लोगों की भी शिकायत है क्योंकि he doesn't have Instagram, he doesn't use social media that much. So I've tried a lot to dig out some things. इसीलिए मैं कह रहा था कि आज फातिमा जी को छुट्टी दे दे क्योंकि जो सोशल मीडिया पे धजियां उखेड़ती रहती है और दूसरा हमारा मेहमान सोशल मीडिया पे दूर दूर तक उनका जिक्र भी नहीं है हैशटैग करो तो कुछ नहीं निकलता जी सिर्फ एक टैग निकलता है ये शर्ट बिक चुकी है ये टैग रहेगा व्हाई यू आर नॉट ऑन सोशल मीडिया देयर इज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन यस थोड़ी सी संजीदा है लेकिन मैं इनका जायचा देखूं तो मैं कहती हूं आप वो शायद किस्मत ले आई या जो है वो इनकी क्रिएटिविटी ले आई अपने अंदर एक बड़ा गुम इंसान है बस वो जो है ना पता नहीं वो सोशल मीडिया पे तो वो एक शाइनेस अंदर या एक कंजर्वेटिव या एक कंपोज्ड होना अपने अंदर जो है ना डीप इनसाइड तो ये तो पता नहीं मीडिया में कैसे हैं उनमें देखिए मुझे लगता है वो नहीं होता बचपन में वो जो बच्चा जो घर में को मिलने आता था कहते हो सुनाओ वो नज़्म वो डांस करके दिखाओ जो तुमने सीखा है आई डू फील वो सिर्फ बचपन की हद तक होता है बड़े होके हमें ये जो लगता है ना कि वो जो बड़ी अच्छी दोस्तों में बैठ के जुकते मारते हैं वो बड़े अच्छी एक्टर्स भी हो सकते हैं ये कभी भी नहीं होता नहीं मेरा नहीं ख्याल फिर जिसमें कॉन्फिडेंस और बेशर्मी में भी एक लाइन होती है एक्टर कॉन्फिडेंट होता है एक्टर मुझे लगता है बड़ा शर्मीला बहुत क्लोज्ड इन होते हैं लोग सो आई लव पीपल मगर मुझे कभी भी बड़े जैसे गैदरिंग्स मजमे एक्टिंग करवा ले स्टेज पे कुछ करना है वो उसकी वो मैं कर सकता हूँ मगर अगर वैसे मुझे इंटरेक्ट करना हो मुझसे नहीं होता सर हमारे खोजी भाई हैं वो अक्सर किसी का पैगाम रुका या किसी की फरियाद आके सुनाते हैं तो अगर आपकी इजाजत हो तो हम उनको बुलाएं जी श्योर हां जी आइए खोजी भैया आइए तशरीफ लाइए जनाब ये किसी ना किसी का पैगाम लाते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सर आप सुनाएं कैसे बहुत बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसे हैं जी बिल्कुल खैरियत ठाक हैं मैडम आप कैसे हैं बड़े से बात डाक किया देखा हां ना वी वांट टू ब्रिंग दैट ट्रेंड बैक एक्चुअली मुझे वो बहुत बुरा लगता था क्योंकि हमारे स्कूल का रिजल्ट पोस्ट होता था डाकिए ने पता है क्या अब बच्चे जो है ना क्योंकि ईमेल जाते हैं अब रायान मेरा जो सबसे छोटा है उसकी ईमेल उसने एड्रेस माँ का देने की बजाय अपने एक दोस्त की वालदा का दिया हुआ है तो वो उधर जाती तो वो फोन करके बताती है हालांकि 10 दफा ठीक भी करवाया लेकिन नहीं नहीं खत्म है वो इंसान का नहीं एक जानवर का खत है अरे अच्छा और वो जानवर है जी मज कॉन्शियस नहीं होना नहीं। हाँ। मैं गुजर रहा था सरकार तो मज मुझे कहती है कि खोजी साहब इधर बात सुने जरा ये मेरा खत ले जाएं जरा हैं मैं कहा जी आपका भी ले जाते हैं खत अच्छा उस खत में उनका कुछ दुखड़ा था दुखड़ा सुनाइए मज का दुखड़ा सुनिए जी हाँ जी वो कहती है जी के बहुता नहीं मैं सकती भज क्योंकि भाजी मैं मज मज मालक तड़के ही आन जगांदा देखें जरा सवेरे सवेरे फॉरेनर्स आप लोगों के लिए साथ साथ से कोई समझ ले फॉरेनर्स मालक तड़के आने जगांदा डंडा लेके वाक करांदा वाह टुर टुर जांदे गिट्टे भज क्योंकि भाजी मैं आ मज और कहती है जी के गंदे पानी नाल नवांदे फिटे ही मोना दा मां गंदे पानी नाल नवांदे ओही पानी दूध च पांदे कोई नई बात तो खैर ये नहीं है देखें जी मिलावट आंखों से देखी उसने पता बता रही है जी कि मैं ये देखा है जी वो कहती गंदे पानी नाल नवांदे ओही पानी दूध च पौंदे इन्हां नू नहीं ओ जरा भी लज क्योंकि भाजी मैं मज और फिर कहती जी कि किले नाल मैं बजी रहिंदी
किला इज द जमीन पे टोटा लकड़ का ठोका एंड दैट इज किला सर वो लिखा हुआ नहीं आ रहा होता जी एंड यू टाई द मच विद इट विद द रो आप उर्दू में बोलते हैं ओके फॉलोअर्स लो जी किले नाल में बजी रहंदी धुप्पा विच मैं पुजी रहंदी वाह 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 पिंडा लमा में केमे काज काज का मतलब कि कपड़ा मैं कैसे अपने पिंडे पिंडे पे डालूं ढाप लूं पिंडा लमा मैं केमे काज क्योंकि पाजी मैं अमर और फिर एक रिक्वेस्ट उसने की जी मैंने खैर उसको दरगुजर किया लेकिन सुनाऊंगा जरूर कहती जी के मुनसफियां दे पैनल ते मेनू भी लै चल चैनल ते हाय 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 वाह वाह मुनसफियां दे पैनल ते मेनू भी लै चल चैनल ते दुख सुनावा उन्हां नूं रज क्योंकि पाजी मैं अमाज और फिर कहती जी के मेरे ना थोड़ी प्रीत करो दुख मेरे नूं ट्वीट करो भाई डिजिटल फेसबुक ते जावा गज क्योंकि पाजी मैं अमाज और आखिर में सरकार उसका जो पैगाम है आपको पता है वो तो मैं देना ही देना वो कहती है जी के हेरा फेरी अठो टैम हेरा फेरी अच्छा फेरी अठो टाइम नमाज़ा पावे पंजे ही कैम हेरा फेरी अठो टाइम नमाज़ा पावे पंजे ही कैम कबूल भी अंजम नहीं हो हज हाय हाय वाह वाह क्योंकि भाई मैं अमज अरे वाह वाह ये लास्ट लाइन जो है काबिले गौर है सरमर साहब कि हम जितनी मर्जी इबादत कर लें हमारे में जब तक इंसानियत नहीं जागेगी और हम इंसाफ नहीं करेंगे वक्त के साथ चीजों के साथ आर्टिस्टों के साथ वो तो हम कर ही रहे हैं लेकिन आर्टिस्ट भी तो हमारे साथ इंसाफ करें तो तब तक सवाल इबादत अच्छा माजी का दुख सुन के आपकी को आंखें खुलेंगी मुझे अपना एक शेर याद आ गया करम इजाजत के गिटार सिखा रहा था जिसे पटाने के लिए आज ऑफर आई है उसी की शादी में बजाने के लिए बड़े एक पुराने शेर के साथ हम ज्यादा चाहेंगे छोटी सी भेड़ लेते हैं जी सरकार में दोबारा आपके खिदमत में हाजिर होते हैं कहीं मत जाइएगा बरकत इधर ही है एक मतलब फिर से खुश आमदीद कहते हैं जी सरकार में सरमत खुसर साहब नादिया अफगन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं ब्रेक में जाने से पहले फातिमा आप कुछ पूछ रही जी कि ही डजंट हैव इंस्टा अकाउंट एंड ही डजंट यूज सोशल मीडिया इतना ज्यादा यूज नहीं करते लोगों की शिकायत है इनसे लोगों की जो शिकायत है उसमें कुछ लोगों की वजह से ही मैं नहीं यूज करता बट मुझे सोशल मीडिया का ये इरिस्पॉन्सिबल एस्पेक्ट नहीं पता था ऑनेस्टली मैं इससे पहले कभी ट्रोल नहीं हुआ था मुझे नहीं पता था हेट स्पीच लोग किस हद तक कर सकते हैं तो वो लाइन मेरे लिए बस वहां पे थी कि बाकी सब कुछ बर्दाश्त हो जाता है लेकिन मैं किसी को गाली नहीं निकालता इसलिए मैं गाली सुन नहीं सकता बहुत अच्छी बात so, सरमद यहाँ पे मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि आपका जायचा मेरे सामने और मुझे पता है बड़े खरे सच बोल जाते हो मुझे ये बताएं कि तनकीद से दिल डरता है तनकीद से नहीं बिल्कुल भी नहीं मैं तो अपने काम से खुद वो काम करने के 1.5-2 महीने बाद मतलब ड्रामा डायरेक्ट किया एडिट किया चल गया तो मुझे तो खुद उसमें से 101 कीड़े या वो क्या कहना चाहिए तो आप परफेक्शनिस्ट हैं कि नहीं और लोगों का भी क्रिटिसिज्म कभी वो वाला बॉर्डर नहीं कर लेते ऑनेस्टली मैं सिर्फ मैंने जिस दिन ये तय किया था वो गाली थी पता है गाली मुझे क्यों कोई देगा मैं गाली नहीं निकालता मैं लड़ता नहीं हूँ लोगों से तो ये तो किसी के पास हक नहीं है आप सारे एक्सपीरियंस बैठे हैं यहाँ पे नादिया हैं आप पे क्रिएटिव लोग हैं नुमान जी हैं मुझे ये बताएं कि जो है इस तरह तो आवाम को फिर अक्ल तरबियत आप ही जैसे लोग कर सकते हो ना कि एक थोड़ी सी ड्रॉ लाइन करना के गाली में तनकीद में कितनी बारीक लाइन एक होती है कि तो जी, जो जो गाली दे रहे हैं उसकी तरबियत उसके माँ बाप नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे वाली बात है उन्होंने बाज नहीं आना है जिधर शोर मच रहा है शोर में जाके आप उधर ठीक नहीं कर सकते मुझे लगता है कि वो जो काम मुझे करना आता है मुझे कहानी सुनानी आती है मैं उस काम के थ्रू कर सकता हूँ ओके एंड आई थिंक समझ से ठीक कह रहे हैं यू डू व्हाट यू बेस्ट एट और कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है बातें करना व्हाट डू यू से अबाउट दिस आई थिंक अपना अपना होता है और शर्मा ने बिल्कुल ठीक किया है मैं यूज करती हूँ इंस्टा सोनो चंदा के बाद से मैंने करना शुरू किया क्योंकि मैं उसके बाद ही मशहूर हुई 22 साल के बाद मशहूर हुई थी आपकी नोटी शरारते याद है तो नोवे भाई मेरा तो ये है कि मैं यूज करती हूँ
और मैं ज्यादातर यूज इस पे करती हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं लोगों को तमीज सिखा सकती हूँ. Okay. नादिया जी पे बिल्कुल डिफरेंट एक लोगों का बल्कि इल्जाम है कि ब्लॉग बहुत जल्दी कर देती हैं. एक इनकी लंबी लिस्ट है ब्लॉग. मैं ब्लॉक कर देती हूँ बिकॉज मैं नहीं सुन सकती आपने फलानी चीज के ऊपर बात किया तो आप पाकिस्तानी नहीं है आप यूं नहीं है. तो मैं कहती हूँ अच्छा यार तुमने जो समझना है समझ लो. शामिया जी क्या कहता है आपका कंप्यूटर नादिया अफगान साहिबा के हवाले से. नादिया जी के बारे में जो सबसे मजेदार एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगती है कि अगर ये एक्टर ना होती या ये फौजी होती या ये कुछ डिटेक्टिव होती. अच्छा मैं आपकी बात की तायीद इसलिए करूंगा कि जिस जिस सेट पे ये काम करती है ना उधर यही इम्प्रेशन है इनका. बॉस कह के लोग बुलाते हैं, बॉस डरते हैं लोग जी. ना दो व्हाई दिस रेपुटेशन. मैं पता नहीं मैं कई दफा अभी कोई नए प्ले के लिए कॉल आते नहीं. आई एम नॉट अग्रेसिव एट ऑल. देन व्हाट आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड आई एम वेरी एंड दे डोंट लाइक इट. आपको पसंद करते हैं लोग नहीं ना. वो पहले से मैं मुझे असिस्टेंट की कभी कॉल आती है ना तो मुझे होता है कि वो आपा मुझे पता चला है कि वो हमें जरा डर लगा हुआ या फलाना डर रहा है किससे. नहीं हमें पता चला कि आप जरा गुस्से की थे. जब मेरा दो दिन गुजर जाते हैं सर आपा आप तो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसे हमने सोचा था. पता नहीं क्यों डरते हैं लेकिन मुझे खुशी होती है. डरना चाहिए और मुझे बड़ा अच्छा लगता है. अच्छी बात है. लेकिन एक बात बताऊं इन दोनों मेहमानों में जो प्यारी बात है कि दोनों दोस्तों के दोस्त हैं. तो मतलब ये बहुत मुस्तकिल मिजाजी इन दोनों मेहमानों में जो है. अकॉर्डिंग टू सामिया जी इज इट राइट पुरानी दोस्तियां हैं. नो भाई बहुत कम दोस्त है लेकिन जो हैं फिर वो हैं. और क्या कहता है सोशल मीडिया. सोशल मीडिया पे बहुत से लोग पूछना चाहते हैं नादिया जी से कि आप इतनी अच्छी पंजाबी कैसे बोल लेती. मुझे पंजाबी आती नहीं थी जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं पंजाबी आई एम अ पंजाबी. और मैं अब्बू से बहुत इस बात पे अब्बू मेरे पिंडी वाले हैं पूरे पिंडी बॉय हैं. अम्मी मेरी सराइकी हैं पर दोनों ने ना सराइकी बोली घर में ना पंजाबी बोली. बट व्हेन आई केम टू लाहौर मैंने अपनी सारी पंजाबी अपने क्लास फेलो से सीखी और फिर सनमत वगैरह के साथ और जहां जहां हम जाते थे आई मेड एन एफर्ट क्योंकि मुझे इतनी प्यारी लगती थी. और अगर अगर मैं कहूं कि बाकी का प्रोग्राम हमारे साथ पंजाबी में करें तो करो मेरे नाल गल तो पंजाबी चाहो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं. और ना तो की होएगा जिहड़े कराची हो नहीं ऐसी पंजाबी मैं बेहोश हो जाऊंगा थोड़ी देर के लिए. नहीं वो वैसे भी तीन साल के सांप सीढ़ी पहले फॉरनर फॉरनर कह के और आदि मसीह तो वैसे भी तकरीबन बेहोश ही है. अच्छा बच्चों जो सवाल है बिकॉज यू यू गाइस आर टुगेदर फॉर द लास्ट 22 इयर्स और दोस्ती बहुत ज्यादा है तो मैं आपसे पूछूंगा इनके हवाले से और वही बात मैं आपसे पूछूंगा उनके हवाले से. दो काम जो आप समझती हैं कि ये छुप कर करते हैं. नादिया ये सवाल मुझसे भी होना है. कोई भी दो काम हो सकते हैं जो ये छुप के करता है. यू कैन ऐड अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर इन इट. आई थिंक सर मैं चैरिटी छुप के करता है. वेरी गुड वेरी जेनरस ही इज. और दूसरा सर मत से मेरी कोई बात छुपी भी नहीं है. कौन सी ऐसी दो चीजें हैं जो देखते हैं एक तो वही. दूसरा काम नादिया छुपके क्या करती. नादिया छुपके बहुत अच्छी पेंटिंग करती. अच्छा पढ़ने के अलावा अखबार के तीन इस्तेमाल तो बताइए जरा. पढ़ने के अलावा अखबार शीशा बहुत अच्छा साफ होता है. यस. और जब पैकिंग कर रही होती हूँ मैं अभी कल ही मैंने अब्बू को शहद भेजा तो डब्बे के अंदर सारी जगह अखबार. और अखबार में किसे मैं मुझे गिफ्ट रैप करना अच्छा लगता है अखबार के अंदर कई दफा चीज लपेट क्रिएटिव आईडिया. हां खबरों से भरा हुआ तोहफा. जी सर मुझे अरसा दराज हो गया अखबार फिजिकली तो घर पे नहीं आया तो लेकिन उसकी कमी तब महसूस होती है वही शीशा साफ करते हुए. समोसा घी वाला ज्यादा होता पराठा से घी निचड़ जाता थोड़ा अखबार अगर होता और मक्खी मारने के लिए. गाड़ी की चाबी ना मिल रही हो तो सबसे पहले कहाँ ढूंढती. नहीं मिल रही होती तो मेरे बैग में ही होती. जो चीज मुझे नहीं मिल रही होती वो हमेशा मेरे बैग में से निकलती है. अरे वेरी गुड. आप कहाँ ढूंढते हो चाबी सबसे पहले. मेरा एक बैग मशहूर है अगर मेरे पास बैग ना हो मेरा तो फिर सब कुछ गुम जाता है. सब कुछ गुम जाता है तो वो इसलिए चाबी यूजुअली मेरे बैग में होती है. किसी का ऑडिशन लेते हुए कौन सी तीन बातें आप नोट करते हैं. कंफर्ट ओरिजिनल स्टाइल और अब वो ही कि चूंकि हम ड्रामा ज्यादातर उर्दू में बना रहे होते हैं तो तलफ्फुज़. आपने भी डायरेक्शन की है यही सवाल मैं आपसे और आपकी डायरेक्शन में
फखरे पाकिस्तान भाई. हाँ थैंक यू सो मच फॉर दैट. आई लव डायरेक्शन. नहीं नहीं ईद प्ले किया था आप जैसा. राइट. एक तो पढ़ना आना चाहिए स्क्रिप्ट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो वो ही नहीं आता. बहुत सारे वो बहुत जरूरी है. ये भी प्रॉब्लम होता है. मैं थोड़ी सी शक्ल भी देखती हूँ. सॉरी आखिर लोग आपका चेहरा ही तो देखते हैं. कुछ तो वो भी होते हैं कि सॉरी हमें उर्दू नहीं पढ़नी आती. उर्दू में लिख के दे दियो मैंने तो बिल्कुल नहीं पता है कि वो. एंड ऑल्सो सूट द कैरेक्टर और नॉट. इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में आप तीनों को हसरत रहेगी कि मैं आपकी तरफ आऊंगा. हमें तो आपको सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ना हम ओवर बात कर रहे ना कर रहे हैं. हम ना ही करेंगे आखिर तक. दिल्ली आज में पड़े हुए हल्का. प्रोड्यूसर ने पैसे देने और फोन नहीं उठा रहा. अच्छा ये बहुत शुरू में होता था पहले, लेकिन फिर ये बहुत अरसा बाद अलग भाई ये अब होना बंद हो गया. मैंने मैनेजर रख लिया है. हैं? जोड़ी जोड़ी मैंने मियां है. हाँ, अच्छा, मेरा मियां जवाद. मैंने जोड़ी मैंने बहुत अरसा पहले मुझे ये बात पता चली कि अगर आपने अपने आप को बहुत बड़ा स्टार मनवाना है ना, और आपने ये छोटे छोटे मसलों में नहीं पढ़ना. कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ना, तो आपके पास मैनेजर होना चाहिए. मैंने सीखा था व्हेन जोड़ी एंड हिज फ्रेंड वर लाइक मैनेजर्स टू मीशा शफी. तो मैंने फिर जोड़ी को कहा कि इफ यू कैन मैनेज अदर पीपल व्हाई डोंट यू मैनेज मी. कोई दिन बनाए मेहमान आ जाए तो क्या करते हैं? नहीं खुश फोन करके पूछ के आए. हाँ नहीं नोमी भाई मैं नहीं इस तरह कर सकती. मेरे मैं खाना भी नहीं पकाती. मेरे घर में कुछ होता भी नहीं है. कबाब भी कई दफा खत्म हुए हुए तुझे. क्या खिलाऊं उनको? दरख्वास्त है सबसे बता क्या है अफगान के घर जाए तो दो दिन टाइम दे के जाएं. आप शूट पर वक्त पर पहुंचे और बाकी अदाकार नहीं आए तो क्या करते हैं? आई थिंक बहुत कम होता है. लेकिन कभी कोई बहुत ही ज्यादती कर रहा होता है तो मैं उस वक्त अगर गुजारा कर भी लेता हूं तो फिर मैं दिल में एक कांटा लगा देता हूं लाल रंग का. शर्मा भाई आपको गुस्सा बहुत आता है, मैंने देखा शूट. या उस उन दिनों तो वाकई बहुत गुस्सा आता था. लेकिन एलसीडी फेंक दिया. हाँ, लेकिन वो यही है, वो उसके बाद उन्होंने ये भी मशहूर कर दिया था कि मॉनिटर फेंकने वाला डायरेक्टर है. ये कब हुआ, कहां हुआ? मैं साथ ही था. ये साथ ही था. मतलब गुस्से का वो ये मतलब वो दो चीज ऐसे मैंने कहा कि गाली नहीं निकालूंगा, लेकिन अगर गलत चीज के ऊपर गुस्सा चढ़ रहा है तो फिर मैं मारता पीटता तो नहीं, फिर मैं कुछ चीज तोड़ देता हूँ. ओए होए कि बस कुछ. तो वो एक मॉनिटर था मेरे पास उन तीसरी मंजिल पे, तो मैंने फेंक दिया. नीचे फेंक दिया. मैं वो गलत बात पे तो नहीं फेंका. नहीं नहीं मैं आप नहीं वो बात गलत नहीं. अच्छा नुमान भाई ये गाली है जो, ये गालियों का राइटर कौन है? गालियां किसने लिखी है? हां यार हां इंटेलिजेंट सवाल किया है अभी. सरमत बताइए गालियां किसने लिखी है? नहीं सरमत तो वो कह रहे हैं देते नहीं ना मैं किसी को. नहीं मुझे पता सारी है. पता सारी जी. नादिया जी सारे अदाकार पहुंच चुके हैं, एक दो की कमी है वो नहीं आए. टेंटम शो कर रहे हैं अपने. क्या मैं तो सबसे पहले सेट पे जाती हूँ. नंबर वन फर्स्ट नंबर पे आती हूँ मैं सेट के ऊपर. तो मैं टाइम पास करती हूँ. मैं पहले मेकअप रूम साफ करवाती हूँ, फिर मैं बाथरूम धुलवाती हूँ, फिर मैं बहुत कोई अपना क्लोज हो तो मैं कहती हूँ समीना आपा वेयर आर यू, व्हाई यू नॉट कमिंग, कब तक आएंगी? और योर समबडी जो दोस्त जो नहीं होते उनका आप क्या कर सकते? और ये सवाल जो मैंने पूछा कि अगर आप सेट पे हैं और दूसरा अदाकार देर से आए तो क्या करते हैं, वो जो दूसरा अदाकार है वो मैं हूँ. सर सर थैंक यू वेरी वेरी मच. जी सरकार वी आर ऑनर्ड. जी सरकार मैं जी सरकार की तमाम टीम लव यू. और इसी तरह आप दोनों मुस्कुराते रहें, आप भी मुस्कुराते रहें, और अल्लाह करे कि इनकी बातों से आप भी मुस्कुराते रहें. जी सरकार में इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम में एक और इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी के साथ हम हाजिर होंगे. ये इसी तरह खामोश होंगे. अल्लाह हाफिज़.